वालेकुम बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें रहीम प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आपको सेहत और अता फ़रमाए और सदा सलामत रहे आमीन नबी पाक सल्हसम की अदीत से शुरू करते हैं जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह ताला क़्यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करेंगे सुबह अल्लाह पर्दापोशी कोई भी ऐसी बात अगर आपको पता हो और आप उसको छुपा दें जिससे उसको दुख पहुंचता हो तकलीफ़ पहुंचती हो या उसकी इज्जत में फ़र्क़ पड़ता हो अगर उस पर आप पर्दा डाल दें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला आपकी भी पर्दापोशी करेंगे ठीक है क्योंकि हर कोई गुनागार ज़रूर होता है गुनाहों के पुतले हैं सभी हम ख़ुद भी तो अल्लाह पाक जो सा है इस चीज़ को माफ़ फरमाते हैं नंबर दो देखिए जब हमारे पास भी इसतार रूहानी इलाज के लिए कोई भी बहन भाई आता है हम उनकी तमाम बातों पर हमेशा पर्दा रखते हैं वो अपनी बहन से बात कर रहे हैं ना कि किसी और से तो जब भी कोई भाई मदरसे में आके मुझसे बात करते हैं या कोई बहन मदरसे में आके बात करती है तो मैंने हमेशा उनकी पर्दा रख, पोशी की हमेशा पर्दा रखा कि हमेशा कभी भी उनको कोई दुख ना पहुंचे ताकि वो अपनी बहन के पास आए हैं और एक दीन की बहन के पास आए हैं तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि दीन की बहन बनके उनकी इज़्ज़त एहतराम भी किया जाए और उनकी मुश्किल के लिए दुआ की जाए उनके लिए इबादत की जाए आप भी इस रूहानी इलाज के लिए अमलियात खास कर सीखने के लिए मदरसे में हाजिर हो सकते हैं आप एक दफ़ा बहन से रता करें उनसे जहाँ तक हो सका मैं आपको ज़रूर अमलियात सिखाऊँगी अमलियात अल्लाह का वली मैं कोई वज़ाइफ वगैरह आपको नहीं समझा रही होती मैं सिर्फ आपको अमलियात बताती हूँ अमलियात सीखना करना जब ना कोई सीखना चाहता हो उसके लिए मुश्किल है ये तो बहुत आसान है अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना मुश्किल नहीं होता ठीक है ना जुकात इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो जिसे आप काजल कह लें या कोई सुरमा कह लें काजल कह लें उसको रखा जाएगा ठीक है वक्त इसमें आप दिन के वक़्त जो चीज़ें मैं समझाऊँगी वो दिन के वक़्त कीजिएगा अमल रात का है ठीक है दिन इसमें पीर का है द्रू इसमें एक बार का है नमाज जो उन पाबंदी है अमल की तादाद ग्यारह मरतबा है अमलिया की वीडियो जो उन है अमलियात की ख़ास वीडियो आठ पी एम पर पोस्ट होती है ठीक है पूरी कोशिश की जाती है कि जिन बहन भाइयों के पास ना पहुंच सके दोबारा से पोस्ट कर दी जाए ताकि सभी को मिल जाए लेकिन आठ बजे ज़रूर पोस्ट कर दी जाती है बुजुर्ग मोकिल अमल आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ कि जिस घर के अंदर इन बुज़ुर्गों की हाजरी हो गई ये बुज़ुर्ग आपके घर में रहना शुरू हो गए यकीन माने आपकी ज़िंदगी इनकी बरक़त से बदल जाएगी ये बुज़ुर्ग मोकिल अमल है और बुज़ुर्ग किस मोकिल के हैं आयतल कुर्सी के पाबंद ग्यारह बार आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है अब खास तरीक़ा समझने की कोशिश करें लेकिन इससे एक फ़ायदा आपको ये होगा इज्ज़त कोई अफसर आपकी इज़्ज़त नहीं करता कोई अफसर आपका कहना नहीं मानता कोई जब जॉब पे जाते हैं कोई आपको बहुत जहरीलोख्वर करते हैं कोई ऐसा मसला है कर्ज का मसला है आपके पास माल की कमी है माल नहीं है पैसे नहीं हैं उसके लिए रिस्क घर में फाके कशी हैं भूखे हैं बच्चे आपके फैमिली मेबर्स जो उनसे हैं वो भूख से भिलकते हैं खाने को कुछ नहीं मिलता तो उनके लिए जिस घर में ये बुज़ुर्ग की हाजिरी हुआ करेगी ना उस बुज़ुर्गों ने देखिएगा आप अल्लाह के हुक्म से जितनी वो इबादत सुबह से लेके रात रात से लेके सुबह तक तो करते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल घर में आप आप में से कोई करता भी होगा दौलत इज़्ज़त माल रिस्क पैसा और सबसे ज़्यादा जो उन होती है ना इंसान की नफ्स ठीक है ना इज़्ज़ें नर्वस जोन सी होती है वो मजरू होती है लोगों के सामने पैसे मांगने से तो उसमें कर्ज शामिल हो जाता है तो वो भी उतर जाएगा जा। दस्ते गैब का ख़ास अमल मैं आपको समझाने लगी हूँ पीर वाले दिन एक कमरे के कोने में आप सफ़ाई करके किसी घर के किसी भी कोने में सफ़ाई करके जाए नमाज बिछाएँ एक गिलास पानी रखें और एक तस्बी रखें तस्बी रखें जब तस्बी आप रखेंगे एक गिलास पानी और तस्बी ठीक है अब आपने आयतल कुर्सी को पढ़ने का तरीका सुन लें जब आप आयतल कुर्सी आप मुकम्मल पढ़ लें ठीक है जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगी आपको भी पता होना चाहिए आयतल कुर्सी कौन से वाली है और आयत आयतल कुर्सी तो सभी को मेरे ख्याल में हम मुसलमान हैं सभी को आती है ठीक है अल्लाह से शुरू करेंगे ठीक है ना अब आपने जब आखिर में जब मुकम्मल कर लेनी है ना आयतल कुर्सी ठीक है उसके बाद आपने पढ़ना क्या है अकसम तो अलईकुम ठीक है अकसम तो अली अलैकुम अजम अलैकुम अकसम तो अजम तुकुम रबिल मलाइकती बस ठीक है मैंने बोलकर इसलिए आपको समझाया आपको लिखी हुई समझ नहीं आएगी ठीक है ये आपने पढ़ना है पूरी आयतल कुर्सी जब ग्यारह मरतबा पढ़ लें अवल आखिर द्रूशीफ़ के साथ पहले द्रोशीफ़ पढ़ें आयतल कुर्सी ग्यारह मरतबा पढ़ें द्रोशीफ़ पढ़ें फिर जो मैंने अबारत आपको बताई है वो पढ़ें ठीक है पढ़ने के बाद आपने आयतल कुर्सी जब मुकम्मल कर लें उसके बाद ये नक्श आपने बनाना है और किस वक्त कहाँ बैठ कर बनाना है जब जाए नमाज़ आपने बिछाया ना उसी पर आप बैठेंगे सफ़ेद शफाफ कागज़ के ऊपर ये जो सा है आपने नक्श बनाना है ठीक है अब जो एक ग्लास पानी लिया ना आपने उसमें इस नक्श को छोड़ देना आप बोतल भी रहें ताकि ऊपर से कैप हो जाए मुंह बंद हो जाए तो उसमें ये जो सा पानी ये जो है ना नक्श बनाकर उसमें छोड़ देना बुज़ुर्गों की हाजरी हमेशा पानी में हुआ करेगी पानी हिला करेगा और उनकी हाज़िरी का आपको वाजिया पता लगा करेगा ठीक है वैसे तो बुज़ुर्ग सामने भी आ जाते हैं ठीक है न लेकिन पहले तीन दिन जोन सा है वो आपके सामने नहीं आएंगे शुरू शुरू में ख्वाब में आना शुरू होंगे तीन दिन ख्वाब में आके हाजरी करेंगे आपसे पूछा करेंगे मुश्किल परेशानी हाजत रवाई का उसके बाद वो हाजिर हुआ करेंगे पानी वाले जिसमें नक्श होगा ये नक्श आपने जिस दिन ये अमल करना है उसी दिन ये नक्श जो सा है आपने नक्श को रख लेना है पानी के अंदर अब पानी के अंदर आप जब नक्श रखें तो अब आपने क्या करना है जब भी बुज़ुर्गों को हाजिर करना है जब भी इन बुज़ुर्गों को हाजिर करना है बुज़ुर्गान मोकिल को हाजिर करना है तो पानी को पानी की बोतल होगी ना जैसे छोटी बोतल होती है ना मिनरल वाटर की या कोई भी छोटी बोतल ले लें आप हाफ़ लीटर की उसमें पानी डाल के इस नक्श को बना कर डाल कर ना तो इसको जैसे ही ज़ोर से हिलाएंगे ना तो हिलाने के बाद ना बुज़ुर्गान दीन जो उन है मोकिल जो उनसे हैं वो हाज़िर होंगे और आपने कोई भी बात करनी है ना आपने दुआ कैसे करनी है कि अल्लाह पाक के हुक्म से ए बुजुर्ग आए मोकल आप हमारी हमें किस चीज की जरूरत है दौलत की इज्जत बात करें ठीक है बात करें इज्जत से और उनसे दुआ करवाएं ठीक है तो वो आपकी बात पानी पानी जिनको आयदल कुर्सी नहीं आती तो वो इस नक्श का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डाल के इसको हिलाएं बुज़ुर्ग दीन जौन सा है मोकिल वो हाजिर हो जाएंगे जो इबादत करते हैं अल्लाह के कलाम की और जो दीन में जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं हदीस पढ़ते हैं कुरने पाक की इबादत करते तलावत करते हैं जिक्र जिक्रत करते हैं सारा दिन ये बुज़ुर्ग अगर आपके घर में बैठे रहे तो ये सारा दिन खैर वरकत होगी कि नहीं आप ख़ुद सोचें ठीक है पर ये गैबाना होते हैं ठीक है ये गैबाना होते हैं इसमें डर खौफ़ कोई भी ऐसा नहीं होता सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोहब्बत होती है जो हम इनसे करते हैं तो पानी के अंदर जो नक्श है जितना हम ज़ोर से हिलाएंगे बुजुर्ग हाज़िर होंगे ख्वाब में भी आपसे मिला करेंगे आकर अगर अगर आपकी रूहानियत बहुत तेज़ होगी तो फ़ौरन मिला करेंगे ठीक है आंखें बंद करो पानी को हिलाओ तो हाज़िर हो जाएगा नज़र आया करेंगे इतना तसवुर मज़बूत हो जाता है कि वो नज़र आते हैं ठीक है तो ये खास अमल जो उनसे है ना आपने करना है अब दौलत इज़्ज़त माल और रिस्क के लिए गायब का ये ख़ास अमल है अल्लाह के हुक्म से आप दुआ करें कि ये अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों की बरकत से जो उनसे है ना ये ये चीज़ की कमी है यानी दौलत की यानी इज्जत की यानी माल की यानी रिस्क की फिर आप दुआ करें कि अल्लाह पाक फ़ला बंदा जो उनसे है ना काम हमारा नहीं करता हमारी बात नहीं सुनता तो बुजुर्ग आने मोकिल को कहें कि हमारे लिए दुआ करें यकीन माने आपका काम अगले दिन हो जाए करेगा माल चाहिए कर्ज है बहुत ज्यादा दूसरे दिन जो उनका कर्ज उतर तो जाएगा रिस्क के लिए इत, मतलब कि बेहिसाब रिस्क हो फा कशी ना हो तो घर के अंदर गैब से कहीं ना कहीं चीजें पड़ी भी मिला करेंगी ठीक है ये बहुत बाबरिकत अमल है इसकी ज़रूर क़दर की दीजिए आयतल कुर्सी अल्लाह को भी पसंद है आयतल कुर्सी से जो ये बुजुर्ग हैं बुजुर्ग मोकिल हैं ये सारा दिन आयतल कुर्सी का ही फिट ज्यादा करते हैं तो आप एक दफ़ा ये अमल ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी तमाम अमलियात पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और लोगों तक शेयर ज़रूर करें अपने फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ हमारे जितने भी वज़ाइफ और अमलियात की जितनी भी शेयरिंग है वो आपसे आप आपना अपना वादा निभाएं, ठीक है अपनी बहन से वादा करें कि आप शेयरिंग करेंगे ठीक है ताकि और लोग जो उनसे आमिल लोगों के पास जाके अपनी इज़्ज़त पैसा रुतबा मरतबा बर्बाद करते हैं वो अपनी मदद खुद करें ठीक है अपनी मदद खुद करें इन अल्लाह के हुक्म से आपकी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी बजाय रोने से परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह से मदद हासिल करें अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता जजाकल्ला ख़ैरा वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते, है। चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऑप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी कर सकते हैं जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रहा करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला